हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज मैं लेके आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल नई सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में या तो पूछे जाते रहे हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी कि कोई आवेश निकाय है जिसकी हमें क्या बतानी है, स्थितिज ऊर्जा बतानी है, अलग अलग स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी स्वैच्छिक असतत एन आवेशों के लिए निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को बोलूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन डिस्क्रीट चार्जेस। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में। तो संभावनाएं बनती हैं, प्रोबेबिलिटी बनती हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे या इसके जैसा ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है कि स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या होती है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज को बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आवेश को बांधे रखने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, फिर आप लोगों को मैं इसका मतलब समझाता हूँ। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आवेशों को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको आप दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि किसी चार्ज को यदि अनंत से किसी बिंदु पर लेके आना है तो उसको लेकर आने के लिए जो काम किया जाता है वो उस चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और यह क्या कहलाता है, यह स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, कहलाता है। ठीक है, ये तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, हम कह रहे हैं कि वी क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और मैं कह रहा हूँ कि इकाई आवेश को उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, यानी कि W बराबर VQ0, यही क्या कहलाता है, ये स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो n सिस्टम है उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालें, इसको हम समझते हैं सबसे पहले दो चार्जेस के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम दो चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इस चार्ज को नाम दिया मैंने Q1, इस चार्ज को नाम दिया Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको लिखा मैंने R12 से। यहाँ कोई चार्ज है, इस चार्ज को हम लेके आते हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो Q1 चार्ज है ये रेस्ट में है, तो इस पर कोई भी जो काम है वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। कंसीडर चार्ज Q1 रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा तो क्या होगा, जब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इस Q1 पर लेके आएंगे, जब हम किसी चार्ज को इस इनफाइनाइट से कहाँ पर लेके आएंगे, Q1 डिस्टेंस पर, इस लोकेशन पर लेके आएंगे, तो जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, शून्य होगा। इसलिए किसी चार्ज को इनफाइनाइट से वन लोकेशन पर लाने के लिए किया गया कार्य ज़ीरो होगा, ठीक है। क्यों होगा कि W बराबर होता है Q into V। शुरुआत में ये Q1 यहाँ था, Q1 को यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ पर रेस्ट है, रेस्ट पे है, यानी कि सब कुछ जीरो पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं जो वर्क डन है वो अगेंस्ट किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इसको लिए जो किया गया काम है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्योंकि जो वर्क डन है उसका जो एक्सप्रेशन निकालते हैं हम, वो निकालते हैं पोटेंशियल से, और पोटेंशियल किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ जो आप देख रहे हैं W = VQ, अब जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, वो होता है EDR। तो इनिशियली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज आ गया है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ Q2 पर पोटेंशियल कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो चार्ज Q1 के कारण Q2 पर पोटेंशियल, तो Q2 पर जो पोटेंशियल होगा Q1 के कारण, उसको लिखा मैंने V2, और ये कितना होगा, ये होगा KQ1/R12। कितना होगा, KQ1/R12, ठीक है। तो अब Q2 चार्ज को इस 2 लोकेशन पे लाने के लिए जो किया गया काम है, इसको लिख दूँ मैं V। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो अब Q2 चार्ज को 2 लोकेशन पर लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर किसके होगा, ये Q2, और किस पे लेके आ रहे हैं, V2 को लेके आ रहे हैं ना। V2 यहाँ पर पहले ही पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो ये Q2 और V2 जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है। तो वो कितना हो गया, KQ1/R12। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया KQ1Q2/R12। तो ये वर्क डन जो है ये स्टोर हो गया किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इसको हमने लिखा KQ1Q2/R12। तो ये तो बात हो गई किसके लिए, 2 चार्ज सिस्टम के लिए। इसी तरह से यदि हम बात करें 3 चार्ज सिस्टम के लिए, ठीक है, इसके लिए 3 चार्ज सिस्टम के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ऐसे, ठीक है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। इस जगह को बोला हमने 1, इस जगह को बोला 2 और इस जगह को बोला हमने 3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने लिख दिया R12, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लिख दिया R23, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लिख दिया R13।
इनिशियली ये Q1 किस में है, रेस्ट में, ठीक है। इनिशियली ये Q1 किस में है, रेस्ट में। प्रारंभ में, प्रारंभ में Q1 रेस्ट में और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो चार्ज Q1 को A तक लाने में, इस A1 लोकेशन पर लाने में किया गया काम कितना होगा, जीरो। इसलिए चार्ज Q1 को 1 पर लाने के लिए, लाने के लिए किया गया काम या कार्य, तो वो कार्य है जो W1, वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे कि इसके पहले वाला देखा था, अब यहाँ पर चार्ज आ गया Q1, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पर 3 चार्ज का सिस्टम है। अब यहाँ पर चार्ज पहुँच चुका है, तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस 2 पर भी पोटेंशियल आएगा और 3 पर भी पोटेंशियल आएगा। तो चार्ज Q1 के कारण कारण किस पर पोटेंशियल, 2 व 3 पर पोटेंशियल, 2 व 3 पर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभव। तो 2 पर पोटेंशियल उसको मैंने लिख दिया 2V2, तो वो किसके बराबर होगा, KQ1 अपॉन R12। इसी तरह से जो 3 पर पोटेंशियल होगा उसको लिख दिया मैंने V3, ये किसकी वजह से, 1 की वजह से, यहाँ 1 लिख लो, तो ये कितना होगा, KQ2 अपॉन R13। अब इस Q2 पर हम वर्क डन की वैल्यू निकाल लें, तो वर्क डन अब Q2 को लेके आना है अनंत से कहाँ तक, 2 तक। तो अब यहाँ पर पहले ही पोटेंशियल है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, और वो कितना है, इतना है, ये हम पिछले उसमें भी देख चुके हैं। तो Q2 चार्ज को 2 पर लाने में किया गया काम, किया गया कार्य, तो इस कार्य को हमने लिख दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इस कार्य को लिख दिया मैंने W2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल यहाँ पर किसके कारण है, 1 के कारण है, जो कि कितनी है, V2, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, KQ1Q2 अपॉन R12। यहाँ तक मेरी समझ में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद अब इस Q2 भी यहाँ पर आ गया, अब Q2 यहाँ पर आ गया, तो इस Q2 के कारण इस Q3 पर भी क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2, तो Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको लिख दिया V23, तो ये कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन R23। तो कुल पोटेंशियल जो 3 पर होगा, तो टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट 3, तो 3 पर टोटल जो पोटेंशियल है वो, एक तो ये हो गया, ये वाला कितना होगा, Q1 अपॉन R13, और प्लस एक ये KQ2 अपॉन R23, ये दो पोटेंशियल हो गए, एक हो गया 1 के कारण और एक हो गया 2 के कारण, तो नेट पोटेंशियल इन दोनों का सम हो गया। अब Q3 को लेके आना है 3 लोकेशन पर, तो काम कितना होगा, इसलिए Q3 को 3 तक लाने में किया गया कार्य। अब ये कार्य हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालें, यहाँ लिख देते हैं हम क्या, W3, तो ये W3 बराबर होगा Q3 और नेट पोटेंशियल। तो Q3 और नेट पोटेंशियल कितनी है, KQ1 अपॉन R13, और दूसरा कितना है, KQ2 अपॉन R23। तो क्या बनेगा, ये बनेगा KQ1Q3 अपॉन R13, और ये क्या बनेगा, KQ2Q3 अपॉन R23। ये 3 हो गया, तो नेट जो इस टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2 और प्लस W3। तो W1 की वैल्यू कितनी है, 0, और W2 की वैल्यू कितनी है, KQ1Q2 अपॉन R12, और 3 की वैल्यू कितनी है, KQ2Q3 अपॉन R23,
प्लस के क्यू वन क्यू थ्री, इसको क्यू थ्री क्यू वन भी लिख सकते हो, अपॉन आर वन थ्री। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वर्क डन की, और यही एनर्जी स्टोर हो जाती है चार्जेस को बांधे रखने के लिए। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यानी कि स्थितिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई किसके लिए आई है, तीन चार्जेस के लिए आई, यानी कि थ्री सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के सिस्टम के लिए आई। पहले हमने निकाला दो चार्ज के सिस्टम के लिए। और इस इक्वेशन में आपको एक खास बात देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर एक टर्म बनाए Q1 Q2, तो Q2 Q1 करके दूसरा टर्म नहीं बना, इसी तरह से Q2 Q3 बनाए, Q3 Q2 नहीं बना, और इसी तरह से बनाए Q1 Q3, तो Q3 Q1 नहीं बना, इसी को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम n चार्जेस के लिए लिखना चाहें, किसके लिखना चाहें, n चार्जेस के लिए कैसे लिखेंगे, यदि सिस्टम में n चार्जेस हों तो n चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू आई एल्जेब्रिक समेशन j की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और v जो है वो क्या है, क्यू जे है, क्यू जे, और का मतलब क्या है, v क्यू जे का मतलब क्या है, के क्यू जे अपॉन आर आई जे। मतलब क्या है इस चीज़ का, जैसे कि मेरे को जब मेरे पास ये सिस्टम था, ये वन था और ये टू था, ठीक है, तो जब मैं अगर लिख रहा हूँ वी वन, तो यहाँ वी वन लिख रहा हूँ तो के क्यू वन अपॉन आर वन टू, अगर मैं लिख रहा हूँ वी टू तो यहाँ लिखूँगा के क्यू टू अपॉन आर वन टू। दूसरी चीज़ क्या है, आई और जे कभी भी इक्वल नहीं थे, आई और जे कभी भी इक्वल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसा नहीं आया, ये जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं आया, क्यू वन क्यू वन क्यू टू क्यू टू, तो ऐसे कोई भी टर्म नहीं आए, तो आई और जे कभी भी इक्वल नहीं थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे, यू, और ये एल्जेब्रिक समेशन हो जाएगा कहाँ से, आई बराबर वन से और एन तक, क्यू आई की वैल्यू, और एल्जेब्रिक समेशन J बराबर 1 से और कहाँ तक, N तक, और V Q J, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ, इसके पहले जो देखा यहाँ पर Q1 Q2 आया, Q2 Q1 नहीं आया, इसी तरह से Q2 Q3 आया, Q3 Q1 नहीं आया, ऐसे टर्म्स नहीं आए, इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये ऐड हो गए और इनको किससे गुणा कर दिया, दो से क्या कर दिया, डिवाइड, दो गुणे हो गए होंगे, तो सेम एक्सप्रेशन लाने के लिए किससे डिवाइड किया, इसको दो से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको एक दिया है और इसको दे दो दो, इसको दे दो तीन, तो ये है इक्वेशन तीन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन तीन में Q1 और Q1 की कोई टर्म नहीं आती, या Q2 या Q3 की कोई टर्म नहीं आती, इसलिए पहली बात तो ये क्लियर है कि I और J हमारे बराबर नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा कि यहाँ पर बन रहा है Q2 Q1 नहीं बन रहा है, Q2 Q3 बन रहा है, Q3 Q2 नहीं बन रहा है ना, तो ये बराबर नहीं है, पर इनकी वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, दो गुणे हो रहे हैं, तो उसको बराबर करने के लिए हमने किससे भाग दे दिया, दो से भाग दे दिया, तो Q2 Q1 की टर्म्स ऐड होकर दो गुणी हो जाती है, इसलिए किससे डिवाइड किया जाएगा, दो से डिवाइड किया जाता है, इसलिए एनर्जी के एक्सप्रेशन को
दो से डिवाइड किया जाएगा, दो से डिवाइड किया जाएगा। वापस समझो, Q1 Q2 Q2 की तो कोई टर्म आएगी नहीं, पर हाँ एक टर्म ये आ सकती है कि जैसे ऐसे लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर तो हमने देखा नहीं Q1 Q2, पर n चार्जेस के लिए देखें तो ऐसे लिखा आ सकता है Q1 Q2 upon R12 Q2 Q1, क्योंकि i j की वैल्यू सेम नहीं है, पर Q1 की वैल्यू एक बार दो हो सकती है, j की वैल्यू एक बार एक हो सकती है। तो हमें Q1 Q2 के ही दो टर्म मिल जाएंगे, यानी कि मिलकर कितने हो जाएंगे, दो गुणे। तो इनको बराबर करने के लिए, जैसे ये एक्सप्रेशन बना है तो इसको बराबर करने के लिए हम जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, दो से। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, इसलिए n चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, U बराबर, मैंने कहा 1/2 डिवाइड कर देंगे इसको, 1/2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, वही वैल्यू लिख दो वापस से, क्या लिखी जाएगी, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये Qi, और यहाँ से फिर j इक्वल्स टू 1 से लेकर और n तक, और ये क्या लिखा जाएगा, VQj। अब V जो है उसकी वैल्यू हमें पता है KQj upon Rij, अब K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो U की जो वैल्यू है 1/4πε0 को बाहर निकाल लें तो 4 × 8 8πε0 हो जाएगा, और जो एनर्जी की वैल्यू है I = 1 NQi, और जो दूसरी वैल्यू है ये J बराबर N, ये Qj और Rij, ऐसे लिखेंगे। इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ से U की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/8πε0, और इन दोनों को मिलाकर लिख दो, I = 1 से लेकर N तक, J = 1 से लेकर N तक, और ये क्या बना, Qi Qj और Rij, जहाँ पर I और J एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये जो है आपके एक्सप्रेशन बन जाता है किसका, n पार्टिकल्स के लिए, n चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बन गई। अब इसमें इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे n चार्जेस का पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए दो चार्जेस का सिस्टम बताओ, तो कोई छोटा क्वेश्चन पूछना है दो नंबर में तो ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। करना क्या है, Q1 चार्ज को 1 लोकेशन पर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो पोटेंशियल ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जो W1 है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। फिर 1 के कारण 2 पर पोटेंशियल आ जाएगा, वो कितना आएगा, KQ1 upon R2, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से पूछा जा सकता है आपके 3 चार्ज सिस्टम के लिए, तो उसके लिए हमने ऐसे किया। n चार्ज सिस्टम के लिए निकालना है तो उसको इस तरह से निकालेंगे, ध्यान रखना है कि i और j आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2018 में, ठीक है। तो इससे सिमिलर जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है, एक क्वेश्चन तो हो गया 2 चार्जेस सिस्टम के लिए और एक क्वेश्चन हो गया 3 चार्जेस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट में लिख के भेजिए, जैसे ही मैं आपके कमेंट को देखूँगा वैसे ही उसका रिप्लाई करूँगा।